बहुत तक्षशीलता हो गई, अब थोड़े उन दल्लों के बारे में बात करते हैं जो छोड़ के निकल लिए। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो हमें डायरेक्टली डीएम करके भी बता सकते हो। मेरा और रोस्टेड का इंस्टा प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कभी इससे प्यार, कभी उससे प्यार, ये सब क्या है? मैं किसी से प्यार नहीं करता। थोड़ा बदतमीज और अपनी मर्जी का मालिक वाले लौंडे का कैरेक्टर होता है ये। वो खूबसूरत लड़की कौन थी यार, जिसके साथ तुम अभी डांस कर रहे थे? तुमसे मतलब? अच्छा, राहुल की आंखें लड़ जाती हैं प्रिया से। नाउ ही सीज प्रिया इन हिज कॉलेज एज वेल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? ये मेरे काम की जगह है, कोई घटिया या बाजारो होटल नहीं है। अपनी ये जो घटिया हरकतें हैं ना, कहीं और जाकर करो, समझे? बट प्रिया का भाई नोज राहुल टू हिज बोन्स, दैट्स हाउ हरामी ही इज। और राहुल उसी की बहन के बारे में बकचोदी कर देता है। वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, मैं उसे मिलना चाहता हूं। ए राहुल, उस लड़की से तुम दूर ही रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। नाउ विक्की सीज प्रिया एंड राहुल बॉन्डिंग और वो अपनी बाइक बीच रास्ते में छोड़ के राहुल के रहपट मारता है और उसका मुंह समोसों में दे देता है। एंड नाउ ही इज अरेस्टेड। बट वेट, गलती इनकी नहीं, मेरी है। राहुल, मॉम प्लीज। आए बेटे, ये जो मुस्कान की चमकान खिल के निकली है, यहाँ प्रिया फिसल गई भाई। नाउ राहुल ट्राइज वेरी हार्ड टू गेट, बट ऑन दी अदर हैंड, तुम इस येलो ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। इत्तेफाक से ये मेरा फेवरेट कलर है। अब बंदी को पता चल जाता है तो अब वो चेप होना शुरू हो जाती है। नाउ प्रिया पटाउज राहुल एक गाना गा के, बट हर फैमिली इज वाकिफ फ्रॉम राहुल एंड हिज फक बॉय वाली हरकतें। तुम उस लड़के से दोस्ती खत्म कर दो और आज हम सबसे वादा करो कि तुम फिर कभी उससे नहीं मिलोगी। नाउ प्रिया इग्नोर्स राहुल एंड हियर कम्स द पार्ट जहां एक निब्बा अपनी निब्बी बंदी को मनाने के लिए लगाता है अपने जान की बाजी बाजी बाजी। फिर वो अपने प्यार का वास्ता दे के स्टॉप्स राहुल, आई लव यू। एंड देन वी विटनेस हाउ पहले जमाने के लोग सैक्स मचाते थे। इस ओयो वाले जमाने में तुम लोग क्या जानो इनका दर्द? कभी सोचा है तुमने इस बारे में? नहीं। तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो और ये एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन है ओह शिट नॉट गुड वाला। एंड देन वो प्रिया की माँ के सामने उसकी माँ बहने कर देता है। तुम दोनों तो शादी करोगी ही। अरे मैं तो हूँ ही एक नंबर का फ्लर्ट, सारी दुनिया जानती है। कितनी सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती है, क्या मैं सबसे शादी करता फिरूंगा? एंड राहुल अपना पूरा मास्टर प्लान डिस्क्लोज कर देता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया। राहुल मैंने तो किया है, तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। राहुल ये तुम्हारी दूसरी भूल होगी। फिर प्रिया अपना सोलो ट्रिपिंग के नाम पर अफसोस मना रही होती है मस्त उन्हीं खेतों में जहां आसपास उसने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। और फिर अचानक से बंदी बेहोश हो गई है और माँ सबसे पहले नेगेटिव ही सोचती है भाई। फिर आंखों से इनकी बातचीत भी हो जाती है भाई कि प्रिया इज नाउ फेट से ब्रो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के दूसरे दिन बाद मैं प्रिया को तलाक दे दूंगा। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना अबॉर्शन करवा लेना। राहुल, बट ऑन दी अदर हैंड, मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी, मुझे दुनिया से लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगी। Few moments later, पूरी दुनिया से लड़ना चाहती हो ना पापा, तो तुम्हारी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, तुम्हारे घर से। जाओ। और फिर एक गाना गा के वापस भी बुला लेते हैं। क्या बकचोदी है यार। फिर कॉलेज में उसको भीड़ लगा कर सब एक साथ ऐसे घूरते हैं। What? कोई उसके साथ बैठता भी नहीं है। और फिर अचानक से, अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। 10 seconds later, क्या तुम अब भी मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? Oh, shit. Here we go again. हम छोटे आदमी थे, हमें तो कोई औकात ही नहीं थी, है ना? सुखी का तमाम हमें समझे थे ना, समझे क्या हो गया आपको? तो गाड़ी में घूमता है ना, हम तो घूमने आए कि नहीं थे। ये मूवी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है भाई। अपने ब्रेकअप के बाद मैंने स्पेशली ये मूवी देखने को Z5 खरीदा था और उसके बाद कभी चलाया ही नहीं। So आरती एंड सतु वर सेट अप फॉर एन अरेंज मैरिज एंड एंड अप फॉलिंग इन लव, सो दे डिसाइड टू गेट मैरिड, बट देन आरती गेट्स टू नो, आरती तेरा पीसीएस मेन एग्जाम क्लियर हो गया पगली, तू ऑफिसर बन सकती है। चलो अब तो सब बढ़िया हो ही गया भाई, बट वेट अ मिनट, यहाँ
ये सीन देखकर मेरी आंखें गीली हो गई थी यार। और बहन यहाँ ईशान का बाप कितना चिल दिखाया है। आपकी गणित में कंपार्टमेंट आई थी क्या जोगी जी? है? ये साला मुझे कैसे भी कैरेक्टर में दिख जाए यार, गुस्सा मुझे बराबर आता है इस पे। ईशान को टॉर्चर करके यहाँ नाच रहा है वाला। कमिंग बैक टू टॉपिक, सत्तू के लिए बहुत बुरा लगता है मुझे वैसे डूड, पर आरती ने ऐसा क्यों किया? क्यों भागी आरती अपनी ही शादी से? चलते हैं फिर फ्लैशबैक में। जब हमने तुम्हारी सास से कहा आरती नौकरी करना चाहती है, शादी के बाद उन्होंने साफ मना कर दिया कि मिश्रा खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती। टीसीएस सीसीएस भूल जाओ। और इतनी इंस्पिरेशनल स्पीच देने के बाद पर देखो यहाँ पे शी रैन फॉर हरसेल्फ, हर फ्यूचर एंड द थिंग्स शी बिलीव्ड इन। अपने लिए भागी है यार बंदी, पर हमें तो लिस्ट तो पूरी करनी ही थी ना। शट अप, चाय पियोगी? चाय अपने मतलब के लिए भागी है, पर बंदी भागी तो है ना। और 5 साल बाद बहन का टोरा तो अलग ही है भाई। तो चाय ले आना प्लीज। 15 minutes later. Miss Aarti Shukla, आपको जॉब से temporary suspend किया गया है। What? Now she goes to the higher authority to sort things out. और यहाँ बंदी को मिलता है अलग ही surprise. सत्तू। Sir. एक senior ICE officer को नाम लेके बुलाती हैं। And here comes my favorite dialogue. Everything is fair in love and war. Love is over. Now war begins. अगर मैं तुझ जैसे हर आदमी की बेटी के साथ इंसाफ करने लगता तो आज तक मैं 10,000 से शुरू का दामाद बन चुका होता। सो दुर्गा गिव्स बर्थ टू ट्विंस एंड दे जस्ट डोंट नो बच्चों के पिता कहाँ हैं। अच्छे बेटे, बच्चों का पिता यहाँ गाना मस्ती कर रहा है। रोज तुझे नाचते हुए देखता फिर भी तुझसे दिल नहीं भरता मेरा। देन ही गेट्स टू नो दैट ही हैज 2 kids टू विच ही रिप्लाइज, इन हराम के पिल्लों को किसी यतीम खाने में डाल दो। और रहा सवाल तुम्हारी बेटी का, शक्ल सूरत भी अच्छी है, किसी कोठे पे बिठा दो, बुढ़ापा बड़े आराम से गुजरेगा। यू आर राइट ब्रो। एंड देन ही अबैंडन्स देम एंड आस्क्स देम टू लीव। बचपन में ये बंदा एक बच्चे को ले जाके बेच देता है और ये जुदा हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं, पर पता नहीं होता कि ये आपस में भाई लोग हैं। कोइंसिडेंस बेबी, कोइंसिडेंस। फिर उनके वाले बाप को तो पता चलता है कि ये लोग तो जिंदा है, सो ही ट्राइज टू जान से मारो बोथ ऑफ देम। अबे चूतिया है क्या? पता नहीं क्या बकचोदी है। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है एंड ही आस्क्स फॉर माफी। उस दिन के बाद मुझे कभी सुकून नहीं मिला, कभी सुकून नहीं मिला मुझे। मिलेगा भी नहीं लौटे। और एक बकचोदी है जो समझ नहीं आई। What the fuck is that? मैं अपने खून से तेरी मांग सजाऊंगा। कोई बात नहीं, हम तो ये है। बट पता चलता है कि ये दल्ला बाप डबल गेम खेल रहा है। फिर बिछड़े हुए भाई लोग मिल जाते हैं, क्लाइमेक्स है तो बहुत भसड़ भी मचती है। वैसे इसके बाप ने ही इसकी आंखों की गेटियां उड़वा दी थी बहुत पहले, एंड ऑब्वियसली सच्चाई को विजय प्राप्त होती ही है क्योंकि वो अपनी आंखों के कंचे दे देता है किशन को। तुम्हारी आंखें मैंने छीनी थी ना, उन्हें लौटाकर मैंने कर्जी तो दी। जब तुम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते हो तो मैं भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। मत जाओ विजय, मत जाओ। एक बच्चा नए घर में शिफ्ट होता है और एक रात उसकी घर फट के 4 हो जाती है। फिर पता चलता है कि मैं भूत हूँ। भूत भूत तो होता ही नहीं है। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए यार लाइफ में ना, कसम से। एंड देन दे बिकम गुड फ्रेंड्स। और फिर वो बताता अपने दल्ले बेटे की बैक स्टोरी, दैट ही लेफ्ट फॉर विदेश एंड वहीं जाकर बस गया। हमें अकेला छोड़कर। यही नहीं, अभी और सुनिए। तरसती रही उसकी माँ उसे देखने के लिए, यहाँ बैठकर दिन रात उसका इंतजार करती थी। बहुत रेयरली ही कॉल्स, बेचारे घंटों घंटों बैठे रहते थे उसके फोन के इंतजार में। हमारा बेटा हमसे बहुत दूर चला गया। और सीधा अपनी माँ की डेथ पे आया, बट स्टिल वो माफ कर देता है। ये दल्ला बच्चा पीछे से घर बेचने की प्लानिंग कर रहा होता है। ये घर नहीं बिकेगा, सुना नहीं तुमने? फिर ये भोली वाला वापस अमेरिका जा रहा होता है। नहीं नहीं विजय सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बाबूजी आप जब चाहे अमेरिका आ सकते हैं। कैसे रहोगे तुम लोगों के बगैर? मैं चेक भेजता रहूंगा हर महीने। सीरियस? एंड द दल्ली गैंग लीव्स, बट व्हाइल स्टॉपिंग देम मैं
बेचारा खड़े होके बाहर तक भी जाता है यार, बट स्टिल दिस बहन का लेफ्ट। विजय मुझे छुआ कर, मत जाओ विजय। एंड देन ही गेट्स टू नो कि वो तो राउंड वन में ही मर चुका था। मैं यही पड़ा रहा, लेकिन उसने एक बार भी मुड़के मुझे नहीं देखा, तब से मैं इस घर में पड़ गया। और यार ये सीन ना मुझे आज तक रुला देता है यार, पता नहीं क्यों। मामू जान एक शेर हो जाए। ओके। कुछ लौंडियाबाज लौंडे अपनी बढ़िया अय्याशी भरी जिंदगी जी रहे होते हैं और एकदम से उनकी चौखट पे आ जाता है बेबी। And then they start the blame game. It's his baby. What? Have you gone mad? कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है क्या? उसको समझ में आता है इंग्लिश? Baby no. और इस ड्रामे का बच्चा ले रहा है फुल मौज। Then they get so fed up of the kid that they drop her off at a church gate. वो भी भरी बरसात में। इतनी बारिश होती है कि बच्ची के लंग्स में तक पानी भर जाता है। I'm sorry. She's very critical. I don't think she will last through the night. फिर वो करते हैं उसका टेक केयर और फिर अचानक से एंड व्हेन वी गेट टू नो दैट इट्स आरुष किड गोइंग थ्रू द फ्लैशबैक व्हेन ईशा एंड आरुष गॉट कोजी बट एक बंदी आके चेप हो जाती है आरुष के। आरुष चेप नहीं होता उसके, पर उसको हटाता भी नहीं है। समझ रहे हो ना? पर पीछे से ईशा इज वॉचिंग एवरीथिंग मैन। नाउ इन प्रेजेंट आरुष गोज एंड मनाओ ईशा, बट ईशा इज वेरी स्टबर्न ऑन हर इरादा। ईशा फॉरगेट इट यार। वैसे आरुष को पता नहीं होता बच्चे के बारे में शुरू से ही, पर अबैंडन तो करता ही है भाई। अब किसी और का कचरा हम अपने घर में क्यों पालेंगे? Let's just throw. Let's just body. चर्च गेट पे छोड़कर आया, ड्रॉप कर गया है जैसे उबर ड्राइवर होगा। ओह सॉरी, वेयर इज योर ड्रॉप ऑफ? आराम से आएंगे, मैं पॉटी कर रही हूँ। व्हाट? अबैंडन तो किया ना ब्रो, पर वापस भी लेने गया, पर अबैंडन तो किया ना ब्रो। फिर बहुत सारी भसड़े होती हैं। ईशा बेटी कैसी है? तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम ही देख लो। ओह माय गॉड, ईशा बेटी बॉयकट करा लिया। एंड देन दे फाइनली गेट टुगेदर। आई लव यू ईशा।